यह है वादी शिगर का दिलकश और खूबसूरत इलाका छोत्रोन, जहां एक तरफ ग्लेशियर्स के पिघलने से बनने वाला ठंडा ठार दरियाए शिगर लहराता और बल खाता दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ संगलाख पहाड़ों के दामन से निकलने वाला गर्म पानी का चश्मा। सर्दी हो या गर्मी, इन चश्मों के पानी से उड़ती भाप लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती रहती है। स्किन डिजीज कभी इसमें इलाज हो जाता है, और साथ जो लोग काफ़ी ट्रैवल करके सफ़र करके आते हैं तो वो यहाँ अगर बात ले ले तो वो अपना ख़ुद को बड़ा फ्रेश फील करते हैं। हम सर्दियों में इतना सर्दी होता है इधर 20 तकरीबन 20 टेम्परेचर तक होता है, लेकिन हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये गर्म पानी की वजह से हम इधर बैठते हैं। सबसे दिलचस्प और हैरत अंगेज बात ये है कि यहाँ के किसी भी घर में गुसलखाना नहीं, मर्दों ख्वातीन के अलग अलग तालाब हैं। यहाँ सयाहों के लिए एक रेस्ट हाउस भी है, जहाँ के हर कमरे में इन्हीं गर्म चश्मों का पानी बिला तातुल मुयस्सर होता है। हमें याद नहीं ये चश्मा का है का नहीं है, पुराने कदीम जमाने का है। तो यहाँ से पंजाब के लोग भी आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं। एलर्जी, जोड़ों और हड्डियों के दर्द में मुबतला मरीज भी इन गर्म चश्मों में नहाते हैं। इन चश्मों की शोहरत की बदौलत न सिर्फ मुकामी लोग बल्कि गैर मुल्की सयाह भी छोत्रोन के गर्म चश्मों में नहाने के लिए खसूसी तौर पर आते हैं। आरिफ साहब, 24 न्यूज, वादी शिगर, बल्तिस्तान।